ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मैं ऋषि और आप देख रहे हैं बोन टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, कहाँ ये बॉटम बना सकता है, इन सिंपल कहाँ ये सपोर्ट ले सकता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो पहले हम निफ्टी का चार्ट देख लेते। तो निफ्टी आप देख रहे हो कितने दिनों से ये नीचे आ रहे हैं, इसकी एक ही वजह है, वो है कोरोना वायरस। अभी पूरे क्या है कि ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो निफ्टी भी डाउन रहेगा, क्योंकि वायरस का इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे सब पे, सो इसीलिए मार्केट डाउन है। लेकिन आपको घबराना नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इधर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपनी एक अच्छी सी वॉच लिस्ट बनाओ, और जब आपको ऐसा लगे कि मार्केट अभी रिकवर कर रहा है, आपका स्टॉक रिकवर कर रहा है, तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी हाल फिलहाल निफ्टी को देख ले, तो निफ्टी 50 में आप देखोगे तो जो हमारा पहला सपोर्ट होगा वो ये लास्ट लो होगा, जो इधर लास्ट टाइम इसने क्या है कि सपोर्ट लेके ऊपर गया था। वो कहाँ आ रहा है? तो वो आ रहा है 11,090 के आसपास, और वो लास्ट लो के आसपास ही आप देख रहे हो कि जो आपका फिबोनाची रेशियो है वो आ रहा है। आप देख रहे हो कि लास्ट लो एंड फिबोनाची रेशियो में आपको थोड़ा ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो है 20 पॉइंट्स का। तो आप इसे एक जोन की तरह लेके जा सकते हो, 11,090 से लेके 11,110 तक। बाद में अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो इसके थोड़े ही नीचे आपको एक राइजिंग सपोर्ट लाइन दिख रही है, जो आपकी ट्रेंड लाइन होती है। वो ट्रेंड लाइन आप देख लो मैंने कैसे ड्रॉ की। तो आप देखो, एक ये लो लिया और एक ये लो लिया, ये दो लो को मैंने ज्वाइन करके आपकी ये ट्रेंड लाइन बनाई। तो हो सकता है कि ये जो 11,000 का लेवल है उसके आसपास आपको कुछ ना कुछ होता हुआ दिख सकता है। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगाओ। अगर मार्केट नॉर्मल हो गया, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट नॉर्मल हो गया, तो आपको 11,000 के आसपास कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया, मतलब ये तीनों जो जोन है उसको ब्रेक करके नीचे चला गया, तब आपका एक ही लास्ट सपोर्ट बचता है, जो होता है ये जोन, जो आपका सबसे लास्ट जब कंसोलिडेट कर रहा था तब की बात है। ये कंसोलिडेट वाला जोन है, उसका लो की बात करें हम, जो आ रहा है 11,650 से लेके 11,700 तक। प्रॉपर कुछ गुड न्यूज नहीं आती तो हो सकता है आपको इधर तक जाता हुआ ये दिखे। तो आपको करना क्या है कि नॉर्मली ये जो लेवल मैंने आपको बताए वो आपको क्या है कि चार्ट पे लगा के रखो। अगर वहां कुछ होता है, अगर मार्केट वहां रिकवर करता है, तब आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन आपको नॉर्मली चार्ट के बारे में पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कैंडल अप जा रही है तो वहां से आप बाय कर रहे हो, समझ गए? आपको कैंडलस्टिक चार्ट वगैरह का पता चलना चाहिए। अगर वहां कुछ उस लेवल के पास कुछ दिखता है तब आप इसमें बाइंग या क्या है कि अपने स्टॉक में बाइंग कर सकते हो। तो ये हो गए निफ्टी के सपोर्ट। अभी हम क्या है कि निफ्टी में एक बार आरएसआई लगा के देख लेते हैं। अगर मैं इसमें आरएसआई लगाता हूं तो इसमें मैं पहले आरएसआई लगा देता हूं, तो इसको मैंने आरएसआई किया। ओके, तो आरएसआई का मैंने 70-30 रेशियो लगाया। तो आप देखो अभी ये ओवरसोल्ड में जा चुका है, तो हो सकता है आपको इधर थोड़ा कंसोलिडेट देखने को मिले, या तो क्या है कि रिकवर करता मार्केट दिख सकता है। तो अभी निफ्टी ओवरसोल्ड में जा चुका है, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ऐसा नहीं होता कि ओवरसोल्ड में जा चुका है तो आप बाइंग करना स्टार्ट कर दो, समझ गए? प्रॉपर देखना पड़ता है कि ओवरसोल्ड में जाके बाद में वो मार्केट रिकवर करता है, आपका चार्ट ऐसा कोई सिग्नल देना चाहिए कि आपको वहां से लगे कि नहीं अभी हम बाइंग कर सकते हैं। तो आपका निफ्टी का आरएसआई हाल फिलहाल ओवरसोल्ड में जा चुका है। एक बार मैं इसको 1 वीक में भी देख लेता हूँ कि 1 वीक में ये कहाँ तक है, मतलब 1 वीक में ये ओवरसोल्ड में है या नहीं। जब हम 1 वीक पे शिफ्ट करें तो इसमें आपको ओवरसोल्ड में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है कि 1 वीक पे मोस्टली बहुत कम टाइम ओवरसोल्ड में जाता है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम बैंक निफ्टी का करते हैं। अभी हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो आप इधर देखोगे तो इसमें भी अच्छी सी डाउन साइड दिखाई दे रही है। आप अगर इसमें देखो तो इसमें मेरे सपोर्ट कौन से हो गए, तो इसमें मेरे सपोर्ट हो गए लास्ट लो, जो मेन सपोर्ट होता है लास्ट लो, लेकिन वो थोड़े दूर है। तो इससे पहले हम जो फिबोनाची रेशियो वाले सपोर्ट है वो देख लेते। तो फिबोनाची रेशियो के हिसाब से आपका जो पहला सपोर्ट आ रहा है वो 28,490 का आ रहा है। उसके बाद का जो सपोर्ट होगा वो 28,144 का होगा। वो इसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो उसके बाद का जो लेवल होगा वो कौन सा होगा, तो 27,797 उसका लेवल होगा। मतलब आप 27,800 ही उसको मानो। अगर ये सबको ब्रेक कर देता है तो आप अपना जो लास्ट लो है वही देखिए, जो किस पे आ रहा है, तो 27,590 पे आ रहा है, तो उसको भी मार्क करके रखो।
अगर इससे पहले हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो इससे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है, वो आपको उसमें लेवल देखने को नहीं मिलेंगे, सो आपको ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। तो कैसे ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो बता देता हूँ आपको। तो आप जब चार्ट में पीछे देखोगे तो आपको दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पॉइंट हो गया, मतलब दोनों में साथ ही गिन रहा हूँ, बाद में एक ये पॉइंट हो गया। ये दोनों को जब आप क्या है कि ड्रॉ करते हो तो आपको एक राइजिंग सपोर्ट लाइन दिखती है, जो आप ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हो। तो इन फ्यूचर अगर ये इसके आसपास भी आया तब आप अपनी इधर से बाइंग कर सकते हो, लेकिन आपको वहां कोई प्रॉपर बुलिश सिग्नल मिलना चाहिए, बाद में आप बाइंग कर सकते हो। तो ये हो गए आपके बैंक निफ्टी में सपोर्ट। अभी हम इसका RSI देख लेते हैं। तो जब आप इसमें RSI लगाते हो तो आपको इसमें पता चलता है कि आपका जो बैंक निफ्टी है वो जस्ट अभी ओवरसोल्ड जोन को टच किया हुआ। तो हो सकता है आपको और ज्यादा नीचे दिखाई दे ये, और ऐसा भी हो सकता है अगर पॉजिटिव न्यूज आ गई तो आपको इधर से टच करके ऊपर भी दिख सकता है। लेकिन इन सिंपल वन डे के चार्ट पे बैंक निफ्टी का जो ओवरसोल्ड जोन है उसमें अभी बैंक निफ्टी गया है, ना कि उसमें ऑलरेडी जा चुका है। जो निफ्टी है वो ज्यादा ही बियरिश लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, समझ गए। तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ आप बाइंग कर सकते हो, कहाँ आप सेलिंग कर सकते हो। पहले एक इंडाइसिस का व्यू लो, बाद में अपने स्टॉक में भी ऐसा आप कर सकते हो। अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो तो आपके जो ये लेवल है फिबोनाची की जो मैंने बताया उसको मार्क करके रखो, ये भी एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो ये हो गया हमारी ओर से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ सपोर्ट ले सकता है। देखो आपको घबराना नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ एंटर होऊंगा कहाँ एग्जिट होऊंगा, समझ गए। अगर लॉन्ग टर्म है तो घबराना नहीं है, एक क्या है कि पैनिक सिचुएशन है लेकिन क्या है कि जल्दी सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं होती तो वेट कीजिए, जब आपको टाइम मिलता है तब अपने शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। और मोस्टली जो आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ जाती तब तक बियरिश ही रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय जय हिंद।